हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार उतारने को लेकर भाजपा कांग्रेस समेत सभी दलों में जोर आजमाइश चल रही है। प्रत्याशियों की सूची जारी करने में भाजपा आगे रह सकती है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेशा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली तय सीटों पर निर्धारित नामों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति में रखेंगे। यदि समय पर बैठक हुई तो इसी सप्ताह भाजपा 25 से 30 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। इससे पहले मंगलवार को चुनाव प्रबंधन समिति की रोहतक में बैठक होगी। इसमें रैलियों, नेताओं के दौरे पर मंथन हो सकता है। वहीं पहले चरण में विधायकों की सीटों पर घोषणा नहीं होने वाली है। जी हां, गुरुग्राम में 22 व 23 अगस्त को भाजपा चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें टिकट वितरण को लेकर मंथन किया जाएगा। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की पहली सूची में मौजूदा विधायकों की सीटें शामिल नहीं होंगी, क्योंकि पार्टी शुरुआत में ही किसी का टिकट काट कर माहौल खराब करना नहीं चाहेगी। आपको बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के रोड मैप के लिए 15 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया है। इसके प्रमुख भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ बनाए गए हैं। कमेटी की बैठक 21 अगस्त को होगी। कमेटी में अलग अलग वर्गों व क्षेत्रों के नेता शामिल किए जाएंगे। खास बात यह है कि कमेटी में दो लाल परिवारों किरण चौधरी व भव्य बिश्नोई को भी जगह दी गई है। वहीं कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस अभी जो है वो ज्यादा दबाव में नजर आ रही है, क्योंकि दावेदार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस में 2500 से ज्यादा टिकट दावेदार आने से पार्टी बड़ी उलझन में है। पार्टी में पिछले 2 सालों में ज्वाइनिंग हुई है, उसमें एक एक सीट पर 2 से 5 ऐसे उम्मीदवार जरूर खड़े हो गए हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी ज्वाइनिंग से ही कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी टिकट घोषित करने में फूक फूक कर कदम रखेगी। सूत्रों की माने तो पार्टी के 2 सर्वे पूरे हो चुके हैं, 3रा सर्वे चल रहा है। हर दावेदार को पार्टी जोड़े रखने के लिए ज्यादातर टिकट भी आखिरी मौके पर घोषित करेगी। नामांकन 5 सितंबर से शुरू होंगे, उसी समय ज्यादातर टिकटें घोषित करने की संभावना है। सबसे अधिक दावेदारी 17 आरक्षित सीटों पर हुई है। ऐसी एक एक सीट पर 88 तक लोगों ने आवेदन किए हैं। चुनाव नजदीक होने से कांग्रेस की रथ यात्रा भी टल सकती है। वहीं इनेलो और जजपा की अगर हम बात करें तो इनेलो और बसपा का गठबंधन हो चुका है। कुछ अन्य पार्टियों को जोड़ने का प्रयास है, लेकिन इसके साथ जजपा की नजर उन नेताओं पर है जो टिकट न मिलने पर नाराज हो सकते हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट आखिर में जारी करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को कुछ खास वोट नहीं मिले थे। ऐसे में दोनों पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार की खोज में अवश्य हैं। इनेलो बसपा गठबंधन होने के बाद ये पार्टियां पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं, सम्मेलन चल रहे हैं, जजपा के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने में सबसे आगे भाजपा रहने वाली है। कांग्रेस में दावेदार ज्यादा होने से इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।